हजारीबाग शहर के हुरहुरो स्थित लांबा तालाब में वसुधा कल्याण संस्था के साथ मिलकर भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने किया सफाई में सहयोग। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा कि तालाब में प्लास्टिक जमा होने के कारण जल दूषित हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में शहर स्थित स्थानीय हुरहुरो लांबा तालाब में वसुधा कल्याण संस्था के साथ मिलकर जल संरक्षण को लेकर साफ सफाई किया। 1 लाख पौधारोपण की मुहिम में आप सभी के सहयोग से हर दिन कारवा बढ़ता जा रहा है। आप सभी के साथ व सहयोग से मिलकर सुंदर व स्वच्छ हजारीबाग बनाएंगे। आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। अगर अभी सचेत नहीं हुए तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार और हम सबके लिए यह चिंता का विषय है। इस दिशा में अगर त्वरित सार्थक पहल की जाए तो नियंत्रण में रखी जा सकती है। वसुधा कल्याण संस्था के लोगों का सराहनीय पहल की अनुकरण करने की आवश्यकता है। इधर वसुधा कल्याण की अंजलि नीरज ने कहा कि एक साथ मिलकर स्वच्छ व सुंदर हजारीबाग बनाएंगे। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए हम सबको मिलकर पहल करना है। हमारा संस्था पिछले कई वर्षों से इस पर काम कर रही है। इस अवसर पर वसुधा कल्याण की अंजलि नीरज, रुचि नीरज, कुंदन कुमार, राहुल पंडित, अधिवक्ता प्रकाश झा, धनंजय सिंह, राहुल मंडल, मनोज कुमार, पंडल यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।